तमाम लोगों का टन 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 फिजिक्स में स्वागत है। मैं आप तमाम लोगों का फिजिक्स टीचर राजीव राज सिंह तो फिर से आप तमाम लोगों का एक बार स्वागत करता हूं। और मैं खुद टनाटन फिजिक्स में आज आप तमाम लोगों के बीच प्रेजेंट हूं क्लास 11 का एक वीडियो लेकर, जिसको हम बेसिक मैथमेटिक्स का एपिसोड 2 या बेसिक मैथमेटिक्स का पार्ट 2 कह सकते हैं, राइट। चलिए तो यहाँ पे देखेंगे, आज हम पढ़ने वाले हैं बेसिक मैथमेटिक्स यानी कि बेसिक टू, राइट, बेसिक मैथमेटिक्स 2 करके, समझिएगा, बेसिक मैथमेटिक्स 2 करके अपन समझने वाले हैं। कोई दिक्कत, मेरे घर से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो चलिए, बेसिकली हमारा क्लास आज इंटरप्ट हो गया था ड्यू टू इंटरनेट कनेक्शन, तो उसी को हम रिकॉर्ड कर रहे हैं ताकि बच्चों को परेशानी नहीं हो किसी भी तरीके से। तो मैं आप लोगों को एडिशन फॉर्मूला बता रहा था, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन फॉर्मूला, समझिएगा, एडिशन, राइट, एंड सब्ट्रैक्शन फॉर्मूला, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, सब्ट्रैक्शन फॉर्मूला। जैसे फर्स्ट फॉर्मूला की अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पे देखें, अगर फर्स्ट फॉर्मूला देखिए, साइन सी प्लस साइन डी है, तो इसको अगर मुझे कन्वर्ट करना होगा किसी और फॉर्म में, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 sin, ध्यान दीजिएगा, सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2, सॉरी कॉस, ये रिप्लेस कर दो, ये इरेज कर दो, ठीक है, कॉस सी माइनस डी बाई 2, ये फॉर्मूला हो गया। दूसरा, अगर साइन सी माइनस साइन डी है, ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हो 2 इंटू कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। अगर यही है कॉस सी प्लस कॉस डी है, तो इसको अपन लिख सकते हैं 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। अगर इसी जगह हो कॉस सी माइनस कॉस डी, तो इसको आप लिख सकते हो 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस, सॉरी कॉस की जगह साइन आएगा यहां, इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। तो ये अभी बता रहा हूं कि ये फॉर्मूला अपन काफी आगे जाके, जब मैं आपको वेव मोशन पढ़ाऊंगा, साउंड पढ़ाऊंगा, उस समय इन सब फॉर्मूला का यूज है। फिर भी हम बेसिक मैथमेटिक्स देख रहे हैं, लिख रहे हैं या पढ़ रहे हैं, तो एक बार इनको एक साथ देख लेना आवश्यक है, नेसेसरी है, राइट। तो ये फॉर्मूला है हमारा जो हमने स्टार्ट किया था। चलिए अब थोड़ा सा, तो देखिए, ट्रिगोमेट्री में आप मैथ के स्टूडेंट हैं, तो आप जब मैथ पढ़ेंगे तो आप देखेंगे बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है, वो सब मैं यहाँ नहीं पढ़ा रहा। जो हमें फिजिक्स में रिक्वायरमेंट है, जिसकी ज़रूरत है, मैं वही चीज़ें डील कर रहा हूँ, समझ रहे मेरी बात को। तो ये मत कहना कि सर आपने पढ़ाया नहीं, मैथ वाले सर ये पढ़ा रहे हैं, मैथ वाले सर वो पढ़ा रहे हैं, तो मैं पहले बता रहा हूँ कि मैं मैथ्स नहीं पढ़ा रहा, मुझे फिजिक्स में जिस चीज़ की ज़रूरत है वही मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, क्लियर कहानी। चलिए तो आगे देखते रहिए, बने रहिए टन टन में, ठीक है, ओके। चलिए अब एक छोटा सा नोट्स है कि अगर एंगल मान लो थीटा जो है, थीटा ये लेस देन इक्वल टू अगर 5 degree है, तो इस केस में साइन थीटा को मैं टैन थीटा एंड इसको डायरेक्टली थीटा के इक्वल लिख सकता हूँ। लेकिन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट जो ध्यान देने बात है कि वो थीटा यहाँ पे डिग्री में नहीं होना चाहिए, दिस शुड बी इन रेडियन, ये डिग्री में ना होके ये रेडियन में होना चाहिए,
अगर रेडियन में है तो ठीक है, नहीं तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा फर्स्ट ऑफ ऑल। इसी केस में cos थीटा इज इक्वल टू, क्योंकि ये एंगल काफी छोटा होता है तो cos थीटा इज इक्वल टू आप 1 लेके चल सकते हो। ये ध्यान रखना क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपसे पूछूं कि sin 2 डिग्री की वैल्यू बताओ, sin 2 डिग्री की वैल्यू आपसे मैं पूछूंगा, तो sin 2 डिग्री को आप लिख सकते हो sin, ये 5 से कम है तो ये फॉर्मूला आप लगा लो, तो 2 इंटू पाई बाई 180। आप इसको डायरेक्टली साइन 2 नहीं लिख सकते हो क्योंकि ये डिग्री में है, इसको पहले रेडियन में कन्वर्ट करो। अब ये डायरेक्टली लिख दोगे कि इसका जो आंसर आएगा वो ये आ जाएगा 2 पाई बाई 180 या पाई बाई 90, या आप पाई की वैल्यू कितना लिख सकते हो 3.14। अरे आप पाई की वैल्यू तो 3.14 ले सकते हो और उसको डिवाइड कर दो अब 90 से, तो देखो क्या आ रहा है, मैं करके देखता हूँ। सो पाई 3.14 डिवाइडेड 90, सो ये आंसर आएगा मेरा 0.034, ये हमारा आंसर आ रहा है, समझ रहे हैं। तो इसको यूज करके हम कई सारे फॉर्मूला को ड्राइव करेंगे, जैसे SHM में जाएंगे, कई सारे जगह में डायरेक्टली इसको यूज करना सिखाऊंगा, राइट। यहां तक क्लियर है? ओके, तो नेक्स्ट देखें आप। हाँ, छोटे छोटे बात से अपन जो जो चीजें अपने को बात करनी है वो सभी बात कर लेंगे। जैसे मैं आपसे रेंज की बात करता हूं, राइट, कि कॉस का मिनिमम वैल्यू कितना हो सकता है, मैक्सिमम कितना हो सकता है, तो पहले मैं साइन की बात कर लेता हूँ। साइन का जो रेंज होता है साइन थीटा का, कोई भी वैल्यू थीटा का डालोगे तो इसका रेंज होता है वो -1 से 1 होता है, यानी -1 से छोटा कोई वैल्यू नहीं हो सकता और 1 से कोई भी बड़ा वैल्यू नहीं हो सकता, वाले थीटा की जगह कुछ भी डाल दो। सिमिलरली कॉस थीटा अगर डालोगे तो कॉस थीटा की जगह भी रेंज -1 से 1 आएगा, आप थीटा की जगह कुछ भी डाल दो। टैन थीटा को अगर बात करते हो तो टैन थीटा का जो रेंज आता है वो ओपन इंटरवल -∞ से +∞ तक होता है, ओपन इंटरवल, इस चीज को ध्यान रखेंगे। तो ये रेंज आपको याद करके रखना है, राइट। इसी में एक फॉर्मूला और आता है कि अगर मान लिया जाए ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा है, तो मैं मान लेता हूं यहाँ पे एक छोटा सा अलग मान लेते हैं वाई इज इक्वल टू, तो आपसे पूछा जा सकता है कि y का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, तो आप खुद देखो ना y का मैक्सिमम वैल्यू अगर आप ले जाओगे तो हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। उसी तरह y का मिनिमम वैल्यू हो जाएगा -√a² + b² ये कैसे आएगा, तो एक ट्रायंगल मान लो ना कि चलो भाई साहब ये एक ट्रायंगल है जिसकी ये वाली साइड ए और ये बी है, तो ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा √a² + b² समझ रहे हो। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी थी, मिनिमम वैल्यू ये हो जाएगा, मैक्सिमम ये हो जाएगा, तो इसका रेंज हो जाएगा -√a² + b² से बड़ा होगा वाई या इक्वल होगा, लेस देन इक्वल टू हो जाएगा √a² + b². तो देखिए ये सब फ्रीक्वेंटली, तो ये वाला जो रेड कलर दिख रहे हैं ये फ्रीक्वेंटली मैथ में यूज होता है, फिजिक्स में बहुत कम यूज होता है, लेकिन हाँ ये सब चीजें फिजिक्स में हम कभी कभी आंसर्स को समझाने के लिए यूज करते हैं, अदरवाइज डायरेक्टली यूज कहीं भी नहीं है। चल यहां तक किसी को कोई दिक्कत है जल्दी पूछ लीजिए वरना मैं आगे बढ़ने वाला हूं, कुछ कह रहे थे यार, चलो ठीक है। अब देखना थोड़ा सा और आगे मैं बढ़ता हूं, फिजिक्स में दो एंगल काफी कॉमन है, जैसे एक देखिएगा काफी कॉमन एंगल है जो आपको हमेशा याद करना पड़ेगा। जैसे मान लिया जाए कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, और ये वाला जो है 5 है, ये 3 है और ये 4 है, तो ये कितना होगा 90, तो ये एंगल कितना होगा कोई बता सकता है? ठीक है,
ये वाला एंगल होता है 37 डिग्री और ये वाला एंगल होता है 53 डिग्री। अब देख लो किसी भी ट्रेंगल में तीनों एंगल का सम 180 होता है, तो 37, 53, 90 और प्लस 90, 180 हो गया। तो यहां से तुम फाइंड कर लो tan 37 की वैल्यू फाइंड करोगे तो ये हो जाएगा 4 बाई सॉरी tan 37, ये गलत हो गया, 3/4 होना चाहिए। जस्ट होल्ड, जस्ट ये चेंज कर दो, ये जो दिख रहा है ना, ओके अपलोड कर लेंगे, टेंशन नहीं। ये इस लाइन को आप यहां से ज्वाइन कर दीजिए, दिस 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 ज्वाइंट हो गया, तो ये एंगल हो जाता है 53 डिग्री और ये एंगल हो जाता है 37 डिग्री। तो tan 37 इज इक्वल टू यहां से हो जाएगा 3/4। तो फिर उसी तरह sin 37 भी आप निकाल सकते हो, तो tan 37 हो जाएगा 3/5 और उसी तरह आप cos 37 में निकाल सकते हो, राइट। सो cos 37 यहाँ से हो जाएगा 4/5। अब ये सब आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि फिजिक्स में फ्रीक्वेंटली ये यूज होता है। उसी प्रकार इस साइड देख लो, tan 53 अगर निकालना होगा तो कितना हो जाएगा, p/b हो जाएगा, यानी 4/3 हो जाएगा, तो ये हो गया 4/3। उसी तरह अगर मुझे sin 53 निकालना होगा, sin 53, तो देखिए 53 तो PYH होता है, तो ये हो जाएगा 4/5। अगर cos 53 निकालना होगा तो ये होता है 3/5 BYH। तो ये सब आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि ये फ्रीक्वेंटली फिजिक्स में कहीं ना कहीं यूज होता है। ठीक है, यहां तो कोई दिक्कत, अरे एक बार बोल दो जय जयकार, कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, ताकि मैं आपको जितने ट्रिगोनोमेट्री के रूल्स हैं वो बता दूं जो हमें यूज करना है फिजिक्स में। रूल्स तो बहुत सारा है लेकिन जो फिजिक्स में यूज करना है वो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है। चलिए, तो यहां तक आपने ट्रिगोनोमेट्री के रूल्स को देख लिया। बाकी अगर कोई ट्रिगोनोमेट्री का रूल्स बचता है तो मैं जैसे जैसे आगे बढ़ूंगा, कहीं जरूरत पड़ेगी तो मैं बता दूंगा। फिर से मैं बता रहा हूँ, रिमाइंड करा रहा हूँ आपको कि मैं ट्रिगोनोमेट्री आपको कंप्लीट नहीं पढ़ा रहा, जितना हमें जरूरत है मैं उतना ही पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। बाकी चीजें आप याद करेंगे। चले, जैसे आपको मैथ्स वाले सर बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे तो वहां आपको पता सब चल जाएगा, जैसे फिर भी मैं चला गया, कोई दिक्कत, ठीक है। तो ये था ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की बात। अब मैं आता हूँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अगर खत्म हो जाएगा तो मैं आपको अलजेब्रिक फंक्शन पे ले जाऊंगा। तो अब हमारा नया हेडिंग होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। हालांकि आप लोग ये मैथ में पढ़े होंगे, क्लास 9th के मैथ में आपने पढ़ा होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। फिर भी मैं आपको यहाँ पे एक बार बता देता हूँ एक एक करके, ठीक है, ताकि कल हो के आप ये ना कहो कि सर मुझे ये मालूम नहीं है, मुझे वो मालूम नहीं है। मैं 9th से आपको उठा के ले चल रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको देखना होगा कि एक्सिस क्या होता है। जैसे आपने पढ़ा होगा कि जैसे ये लाइन है, ये कट कर रहा है, तो ये कहलाता है आपका एक्स एक्सिस, मालूम है, और ये कहलाता है आपका वाई एक्सिस, ठीक है। और ये हम 2D में भी बात करें, 3D में बात नहीं कर रहे, अभी हम बात कर रहे 2D में, और इसको बोलते हैं ओरिजिन। क्या बोलते हैं इसको? ओरिजिन, या इसी को बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट। अब रेफरेंस पॉइंट क्यों बोलते हैं वो मैं आपको बता दूंगा। ये हो गया 2D, ये हो गया हमारे लिए 2D कोऑर्डिनेट सिस्टम। अगर 3D होता सेम एज इट इज तो क्या चेंज होता? उसमें 3 एक्सिस आ जाते हैं। उसमें कितने एक्सिस आते? 3 एक्सिस आ जाते हैं। एक बार इसको मिरेज कर देता हूं, उसमें 3 एक्सिस आ जाते। यहां देखें, जैसे ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई, तो ये हो जाएगा इसमें जेड, इधर कहीं थर्ड, ये कहीं हमारा जेड हो जाएगा। और ये उसमें भी ओरिजिन होता है 0,0,0,0। तो पहले हम बात करते हैं कि ओरिजिन होता क्या है, ठीक है। तो ओरिजिन का मतलब होता है कि रेफरेंस पॉइंट। इसको ओरिजिन क्यों बोला गया, इसको रेफरेंस पॉइंट क्यों बोला गया, ये क्वेश्चन हमारे माइंड में है। तो देखो,
जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि ऑरिजिन का मतलब क्या होता है, तो आप सब अच्छे स्टूडेंट हैं तो आप बोलेंगे ऑरिजिन का मतलब सर जहां से किसी चीज की उत्पत्ति होती है, उत्पत्ति मतलब जहां उसका जड़ है, राइट। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम में जितने भी डिस्टेंस हम मेजर करते हैं वो ऑरिजिन से, एक रेफर इस पॉइंट से मेजर करते हैं। एक्सिस के जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वहां से हम हर डिस्टेंस को मेजर करते हैं। डिस्टेंस को विद प्रॉपर साइन हम इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एक्सिस से मेजर करते हैं, इसीलिए इसको ऑरिजिन बोलते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका डेफिनेशन हो गया, इट इज अ इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ, इंटर सेक्शन पॉइंट ऑफ एक्सिस। ये क्या है? इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एक्सिस है, जो एक्सिस है उसका इंटरसेक्शन पॉइंट। एक्सिस होता है सिंगुलर के लिए और प्लुरल के लिए एक्सेस होता है। नेक्स्ट मैं लिखता हूं, देखिएगा, इट इज नोन एज, ध्यान दीजिएगा, इट इज नोन एज ओरिजिन या रेफरेंस पॉइंट, नोन एज रेफरेंस पॉइंट बिकॉज ऑल द डिस्टेंस मस्ट बी मेजर फ्रॉम हियर विथ प्रॉपर साइन, बिकॉज इट इज नोन एज रेफरेंस पॉइंट बिकॉज ऑल द डिस्टेंस, बिकॉज ऑल द डिस्टेंस मस्ट बी मेजर्ड फ्रॉम हियर, मस्ट बी मेजर्ड फ्रॉम हियर, सभी डिस्टेंस यही से मेजर किए जाते हैं, इसलिए इसको हम रेफरेंस और ऑरिजिन बोलते हैं। क्या यहां तक क्लियर है? ठीक है, अब हम बात करते हैं कि किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करना है 2D में तो कैसे रिप्रेजेंट करना है, 3D में रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसे करना है। ठीक है, देखिएगा, उसके बाद मैं आपको कोऑर्डिनेट लिखना सिखाऊंगा उसके बाद, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, समझिएगा। हुस्न, इसको और ऊपर कर दे, थोड़ा सा स्पेस अपने पास आ जाएगा। ठीक है, अब समझिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉइंट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉइंट, किसी पॉइंट को अगर रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे करेंगे। देखिए, अब हम बात करें कोऑर्डिनेट सिस्टम 2D का, 3D का इसी के बेसिस पे मैं आपको बता दूंगा, समझिएगा। पहले मैं आपको 2D के पहले बात कर लेता हूँ और 3D बस उसी में थोड़ा सा ऐड कर दूंगा। ये हो गया एक्स और ये हो गया वाई। तो कोई जैसे ये पॉइंट है, तो इस पॉइंट को अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है कोऑर्डिनेट सिस्टम में तो कैसे रिप्रेजेंट करूंगा? कुछ भी नहीं करूंगा, मैं इस पॉइंट को यहां से, पॉइंट के यहां से एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस प्लॉट करूंगा, यानी कि एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां से मैं खींचूंगा। ये हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस मैं वाई एक्स, एक्स एक्सिस से खींचूंगा। ध्यान देना, जो भी पॉइंट है उस पॉइंट का एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस मैं वाई से खींच रहा हूं और एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस मैं एक्स से खींच रहा हूं। कहां से? एक्स से खींच रहा हूं, ठीक है, ठीक है, एक्स से खींचूंगा और एक वाई से। जो वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो एक्स कोऑर्डिनेट कहलाएगा, और जो एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वाई कहलाएगा। तो किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए एक ब्रैकेट में पहले उसके एक्स कोऑर्डिनेट को लिखते हैं, फिर उसके वाई कोऑर्डिनेट को लिखते हैं। तो एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब समझ में आया, तो वो मैं लिख देता हूं कि एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब क्या है। देखो, एक्स कोऑर्डिनेट, इसी को आप अगर पढ़ोगे तो कभी कभी एब्सिसा भी बोलते हैं, एब्सिसा, ठीक है। अब देखना, तो ये क्या है? अभी आपने पढ़ा है कि एक्स का मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस, वही मैं लिखता हूं, इट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, ध्यान दीजिएगा मेरे दोस्तों, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस, करेक्ट। अब मैं बात करता हूं आपसे कि y कोऑर्डिनेट का क्या मतलब है।
तो वाई कोऑर्डिनेट की अगर बात करते हैं अपन, वाई कोऑर्डिनेट की बात करते हैं, ध्यान देते रहिएगा, एकदम बने रहिए टन टन फिजिक्स में। इसको हम ऑर्डिनेट भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट, ठीक है। तो मैं लिखता हूं, यहां देखेंगे, इट इज डिफाइंड एज, इट इज डिफाइंड एज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस यानी कि ये वाली डिस्टेंस वाई कोऑर्डिनेट हो गया, ठीक है। तो अभी तक आपको शायद मेरे ख्याल से एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट का मतलब समझ में आ गया होगा, ठीक है। और ये आपका ओरिजिन है, चले आगे। ओके, तो यानी कि ये वाली डिस्टेंस आपकी वाई कोऑर्डिनेट कहलाएगी, क्योंकि ये वाई के इक्वल है, और ये वाली डिस्टेंस आपकी एक्स कोऑर्डिनेट कहलाएगी, करेक्ट। सी, अब मैं बताता हूं कि एक्स कोऑर्डिनेट कब पॉजिटिव होगा, कब निगेटिव होगा, वो मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। चलिए फिर मैं पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करना सिखा दूंगा। यहां पे कुछ नोट्स करके लिखोगे, नोट्स नंबर वन, कि अगर ओरिजिन के आप राइट साइड में एक्स डिस्टेंस या एक्स कोऑर्डिनेट की बात करते हैं, तो वो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। राइट ऑफ द ओरिजिन, राइट ऑफ द ओरिजिन, ऑफ द ओरिजिन, देखिएगा ढंग से बेटा, एक्स इज टेकन एज पॉजिटिव, एक्स इज टेकन एज पॉजिटिव। अब राइट ऑफ द ओरिजिन, ये ओरिजिन है तो राइट में तो ये और ये है, यानी कि फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, तो एक्स पॉजिटिव होगा। सेकेंड नोट देखें आप, लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन, लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन, एक्स इज टेकन एज, एक्स इज टेकन एज निगेटिव, यानी कि सेकेंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में निगेटिव होगा, सेकेंड एंड फोर्थ, ठीक है। अब मैं वाई कोऑर्डिनेट की बात करता हूं, थर्ड पॉइंट देखेंगे, अबव द ओरिजिन, ध्यान दीजिएगा, अबव द ओरिजिन, अबव द ओरिजिन, वाई इज टेकन एज पॉजिटिव, वाई इज टेकन एज पॉजिटिव, यानी कि ओरिजिन से ऊपर, तो ओरिजिन से ऊपर ये होगा और ये होगा, यानी कि फर्स्ट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट में वाई जो होगा पॉजिटिव होगा। इस चीज को आप याद रखें, तो मैं लिख ही देता हूं यहाँ पे, अबव द ओरिजिन वाई टेकन एज पॉजिटिव, यानी कि फर्स्ट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट में। फोर्थ पॉइंट देखेंगे, बिलो द ओरिजिन, राइट, बिलो द ओरिजिन वाई इज टेकन एज निगेटिव, वाई इज टेकन एज निगेटिव। अब बिलो द ओरिजिन जाकर देखो तो सेकेंड एंड सॉरी थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में वाई हमारा निगेटिव होगा। क्लियर कहानी यहां तक? तो ये हम बात कर रहे थे, चले आगे। तो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात हुआ। अब मैं आता हूं कि किसी वैल्यू को अगर किसी पॉइंट को प्रैक्टिकली रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे करना है। चलिए छोटा सा एग्जाम्पल आप देख सकते हैं मेरे दोस्तों, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल मैं लेता हूं, एग्जाम्पल वन देखें, अगर मान लिया जाए कोई पॉइंट है और ये -1.2 है, तो ये पॉइंट किस कोऑर्डिनेट में कहाँ पे होगा? तो देखिए मैं एक प्रैक्टिकली बता देता हूँ, लेकिन फिजिक्स में प्रैक्टिकली या उसको हम मेजर करके रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, हम उसको एक अनुमान से रिप्रेजेंट कर देंगे। फिलहाल इस केस में मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। ये एक्स क्या आ गया, ये तो एक्स एक्स कोऑर्डिनेट है, तो एक्स कोऑर्डिनेट निगेटिव है। निगेटिव का मतलब है कि ओरिजिन से लेफ्ट में बात कर रहे हैं, तो लेफ्ट में यानी कि एक्स निगेटिव होता है सेकेंड में और थर्ड में, ठीक है।
और y क्या है, 2 पॉजिटिव, तो y पॉजिटिव होता है फर्स्ट में एंड सेकेंड में, तो दो डबल क्लिक इसमें, डबल क्लिक सेकेंड क्वाड्रेंट में, इसलिए ये पॉइंट सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा। अब ये x कोऑर्डिनेट का मतलब है कि उस पॉइंट का y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस 1 होगा और x एक्सिस से 2 होगा, यानी कि वो पॉइंट कुछ ऐसा होगा। देखिए ये डिस्टेंस 1 हो गया और ये डिस्टेंस 2 हो गया, तो ये वो पॉइंट है जिसकी आप बात कर रहे हैं। लेकिन फिजिक्स में हम बार बार इतना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, तो एक अनुमान के अनुसार हम उसको यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं, जहां मर्जी वहां सेकेंड क्वाड्रेंट में लिख देंगे। क्लियर है क्या? ठीक है। अब मैं बात करता हूं कि अगर यही 3D होता, नोट इन 3D, तो 3D में क्या होता, पॉइंट्स के पास तीन कोऑर्डिनेट होते हैं, x, y, z। बड़ा सिंपल है, जैसे आपने 2 पढ़ लिया तो बस सिंपल x, y, z, ये 3D हो गया। अब बात करते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला का। आप तमाम लोग आई थिंक CBSE के स्टूडेंट हैं, तो आपको मालूम होगा कि डिस्टेंस फॉर्मूला होता क्या है, फिर भी मैं आपको एक बार लिख देता हूं। डिस्टेंस फॉर्मूला, ध्यान दीजिएगा सर, जैसे मान लिया जाए कि ये मेरा घर और ये मेरे महबूब का घर है, ठीक है। इस पॉइंट, इसके मेरे घर का कोऑर्डिनेट है x1, y1 और उसके घर का कोऑर्डिनेट है x2, y2। अगर मुझे यहां से वहां जाना है तो पहले कैलकुलेट करना होगा डिस्टेंस कितना होगा। तो डिस्टेंस फॉर्मूला आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा, ये होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। दिस इज द डिस्टेंस फॉर्मूला। अगर 3D में होता तो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 का होल स्क्वायर, ये हम काम करते हैं अगर ये 3D में होता तो। कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत नहीं है, चले आगे। बिल्कुल। अब यहां से जहां थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो अपने को समझना होगा स्लोप। हाँ, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, दिस इज द VVI कंसेप्ट, क्योंकि ये आपको समझना काफी जरूरी है। स्लोप मैं लिखाता हूं कि स्लोप होता क्या, पहले आप समझिएगा इस चीज को। जैसे मान लिया जाए ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, ठीक है, समझिएगा बड़े ध्यान से मेरे दोस्त, और ये कोई स्ट्रेट लाइन है। तो इस स्ट्रेट लाइन को अगर मैं एक्सटेंड करता हूं, ध्यान दीजिए, इसको मैं एक्सटेंड करता हूं, ठीक है, तो ये स्ट्रेट लाइन x एक्सिस से कोई ना कोई एंगल बना रही है। थोड़ा सा इसको प्रैक्टिकली रिप्रेजेंट कर देते हैं, एक मिनट होल्ड करो। ओके, टन 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 चलती है क्या, टन 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 टन, अरे लाला अरे लाला, ये हो गया आपका y एक्सिस, ओके, और ये आपका x एक्सिस, ओके, और यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कोई लाइन है, ठीक है। अगर इस लाइन को मैं एक्सटेंड करता हूँ, ध्यान दीजिएगा, इस लाइन को मैं इस डायरेक्शन में एक्सटेंड अगर करता हूं तो यहां पे कट कर रहा है, ठीक है, तो ये जो एंगल होगा एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज में, ये बड़े ध्यान से देखना, एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज में जो एंगल है उस एंगल को हम बोलेंगे, उसका टैन थीटा को हम बोलेंगे स्लोप। तो मैं डेफिनेशन लिख भी देता हूं, इट इज डिफाइंड, ध्यान से देखिएगा, इट इज defined as tangent of, tan theta को हम tangent भी बोलते हैं, tangent of an angle of a line tangent of an angle of a line from the x-axis in anti-clockwise direction। ये चीजें बड़े इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे भाई, कि आपको एंटी क्लॉकवाइज ही लेना है, क्लॉकवाइज आप नहीं ले सकते। तो जो भी ये लाइन जैसे मैं खींच दिया यहां पे, देखें
क्या लिखा है कि इट इज डिफाइंड एज टेंजेंट, टेंजेंट का मतलब टेन थीटा ऑफ एन एंगल ऑफ अ लाइन फ्रॉम द एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज। तो इसको मतलब रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एम से, स्लोप को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एम से। तो यहाँ पे इस लाइन का एंगल है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा है, तो इसका स्लोप हो जाएगा स्मॉल एम इज इक्वल टू टेन थीटा, राइट। ये टेन थीटा पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। अब मैं बात करता हूं कब ये पॉजिटिव, कब ये निगेटिव, कब ये जीरो होगा। अब देखना बेटा, अगर ये थीटा, थीटा जो होगा जीरो से बड़ा या बराबर होगा थीटा, या हम जीरो की बात कर चुके हैं, इसको ले लो सिर्फ ग्रेटर देन इक्वल, सिर्फ ग्रेटर देन की बात करो, इक्वल की बात ना करो, क्योंकि ऑलरेडी मैं जीरो की बात कर रहा हूं, तो ये फिर इक्वल की बात करना थोड़ा सा वो हो जाएगा। अरे यार क्या नाम एवरेज क्यों नहीं हो रहा है, ठीक है। तो देखिए, अगर थीटा की वैल्यू जीरो से ग्रेटर है, थीटा लेस देन है 90, तो उसमें स्लोप पॉजिटिव होगा, क्योंकि टेन थीटा में सब पॉजिटिव होता है। और ये कब जीरो होगा, जब थीटा इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। अब थीटा कब जीरो होगा, तो ध्यान से देखिएगा, जब ये खुद एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाए, जैसे ये लाइन है, अब इस लाइन का ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, इस लाइन का एक्स के साथ कितना एंगल है, तो आप कहोगे सर जीरो डिग्री है। तो दोस्त जब ये जीरो डिग्री है तो स्लोप इसका जीरो हो जाएगा। और निगेटिव कब होगा, कि जब थीटा इसका ग्रेटर देन 90 होगा, क्योंकि ये सेकेंड क्वाड्रेंट में इंटर कर जाएगा। यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं अपन, देखिए। तो यानी कि अभी आपने देखा कि जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है उसका स्लोप जीरो आता है, ठीक है, और जो वाई एक्सिस के पैरेलल होगा। अभी देखो, अगर अभी आपने, मैंने आपको बताया और आपने देखा भी होगा आपने इस नग्न आंखों से, ये वाई है, अगर ये लाइन है तो ये लाइन एक्स के साथ कितना एंगल बना रहा है, तो इस लाइन से 90 डिग्री बना रहा है, थीटा हो जाएगा 90 डिग्री। तो इस केस में जो स्लोप आएगा एम, वो टैन 90 आएगा, टैन 90 मतलब वो आ गया इन्फिनिटी। तो यहां से हम नोट करके लिख सकते हैं मेरे दोस्त, क्या नोट देखोगे फटाफट फटाफट, कि अगर कोई लाइन, इफ लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, अगर लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है, राइट, इफ लाइन इज, एल इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, राइट, तो उस केस में थीटा होता है जीरो डिग्री और स्लोप होता है जीरो। दूसरा पॉइंट है, एल इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस, राइट, सो इस केस में थीटा होता है 90 डिग्री एंड स्लोप होता है इस केस में इन्फिनिटी, ठीक है। अब नोट नंबर थर्ड देखोगे, जो काफी अलग नोट है, चेंज करके है, इसको मैं M1 मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए और इसको मैं M2 मान लेता हूँ। तो दो परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप जो होता है -1 होता है, प्रोडक्ट, तो मैं वही लिख रहा हूँ, प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर लाइंस, ये सिंबल परपेंडिकुलर का होता है, टू परपेंडिकुलर लाइंस, प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर, सॉरी यहां पे थोड़ा सा स्लोप का बात करना था, हमने स्लोप किया नहीं, प्रोडक्ट ऑफ स्लोप करना पड़ेगा यहां पे, प्रोडक्ट ऑफ स्लोप ऑफ टू परपेंडिकुलर लाइंस इज इक्वल टू -1, यानी कि M1 M2 हो जाएगा यहाँ पे -1, इस चीज को आप याद रखोगे, ठीक है। चलिए मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूँ, कुछ और तरीका बताता हूँ स्लोप फाइंड करने का, ठीक है, देखते जाना यहाँ पे।
हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है, ये वाला पॉइंट भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से देखिएगा। जैसे मान लो ये आपका वाई एक्सिस और ये आपका एक्स एक्सिस, और ये मैं मान लेता हूं कि ये जो लाइन है ये कुछ इस तरीके से है, और इस लाइन पे आपको दो पॉइंट्स दिए गए। एक पॉइंट ये दिया गया P1 और एक पॉइंट ये दिया गया P2। ध्यान दीजिएगा P2। सो P2 का कोऑर्डिनेट है X2, Y2 एंड P1 का कोऑर्डिनेट है X1, Y1। अगर आपसे पूछा जाता है कि इस लाइन का स्लोप कितना होगा, कैसे फाइंड करोगे, बता सकते हो मुझे? चलिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ध्यान से समझिएगा। मैं दूसरा डायग्राम बना रहा हूँ इसलिए कि ताकि आपको समझ में पूरा का पूरा 100% आए। अदरवाइज मैं चाहता तो उस डायग्राम में भी काम चला सकता था, लेकिन वो थोड़ा सा कचरा हो जाता, मतलब गंदी डट्टी पिक्चर हो जाता वो। ठीक है, ये हमारा लाइन है, देखते जाइएगा। ठीक है, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट, तो एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब तो मैंने समझाया है कि इस पॉइंट का वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी कि ये वाला डिस्टेंस, ये डिस्टेंस हो गया X1, और इसका एक्स कोऑर्डिनेट मतलब इस पॉइंट का वाई एक्सिस से ये डिस्टेंस हो जाएगा X2। ओके, Y1 का क्या मतलब है? Y1 का मतलब है कि इस पॉइंट का एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये हो जाएगा Y1, राइट? ओके, और इस पॉइंट का अगर देखोगे तो इस पॉइंट का जो वाई कोऑर्डिनेट होगा ये हो जाएगा Y2। अब समझो ये जो लाइन है एक्स एक्सिस है, अगर इसको मैं यहां से यहां ज्वाइन कर देता हूं तो ये भी तो एक्स एक्सिस ही है, क्योंकि दोनों पैरेलल है, तो पैरेलल लाइंस सेम ही होता है। यानी कि ये एंगल थीटा है, तो यानी कि इसका स्लोप जो होगा वो टेन थीटा होगा, क्योंकि ये एंगल एक्स एक्सिस से भी थीटा ही होगा। तो अब उस लाइन को मैं यहां पर बना लेता हूं, तो देखिए अब समझना मेरे बातों को मेरे भाई, क्योंकि बगैर आपके इनपुट के ये नहीं मजा आएगा समझने में। ये डिस्टेंस कितना है? टोटल है Y2 और ये है Y1, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा, आप कहोगे सर Y2 - Y1 हो जाएगा। क्या ईमानदारी से बताओ, समझ में आ रहा है? राइट, अब समझो ये टोटल डिस्टेंस है X2 और ये टोटल है X1, तो यानी कि ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा, ये सिर्फ ये पर्टिकुलर ये डिस्टेंस हो जाएगा X2 - X1। यानी कि ये लाइन अगर मैं खींचता हूँ यहाँ पे, तो इस लाइन को इस तरीके से मैंने ज्वाइन कर दिया। यहाँ देखिएगा मेरे भाई, काफी मेहनत लग रहा है आपको समझाने में, इसलिए प्यार से देखिएगा। तो ये वाला डिस्टेंस आ गया सर X2 - X1, और ये वाला डिस्टेंस आ गया सर Y2 - Y1, और ये हो गया सर थीटा। तो स्लोप इक्वल टू होता है, एम इक्वल टू होता है टैन थीटा, और टैन थीटा इस एंगल में देखोगे तो PYB होता है। सो Y2 - Y1 बाई X2 - X1 होगा क्या? यस, दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्लोप। तो ये भी आपको याद रखना है कि दो पॉइंट्स अगर दिए गए हैं तो उसका स्लोप हम कैसे निकालेंगे। एक छोटा सा इम्पोर्टेंट कंसेप्ट आप ये भी दे सकते हो, क्योंकि तो ये सब जो कंसेप्ट है ये कहीं ना कहीं काइनेमेटिक्स के क्वेश्चंस को सोल्व करने में आपको हेल्प करेगी। जैसे यहाँ देखिए, ये मैं मान लेता हूँ यहाँ पे कि ये आपका एक पॉइंट ए है और ये एक पॉइंट बी है और ये एक पॉइंट सी है, तो दोनों तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे है, यानी ए से सी का जो स्लोप होगा वही स्लोप सी से बी का भी होगा। ए से सी का जो स्लोप होगा वही स्लोप सी से बी का होगा, यानी कि स्लोप ऑफ ए टू सी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ सी टू बी होगा, या उसी को मैं लिख सकता हूँ स्लोप ऑफ ए बी भी होगा, क्योंकि जितने सारे पॉइंट्स लाइन पे हैं सभी सेगमेंट्स का स्लोप सेम होगा। समझ रहे हो, सभी सेगमेंट का स्लोप क्या होगा? सेम होगा। क्लियर मेरी कहानी? कोई दिक्कत? जल्दी बताएं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हाँ कुछ चीजें और भी समझना है। जैसे मैं प्लेन का कंसेप्ट दे देता हूँ, उसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमारा फिनिश हो जाएगा, राइट? तो नेक्स्ट में आपको देता हूँ कंसेप्ट ऑफ प्लेन। नहीं, वीडियो लेक्चर चल रहा है।
कंसेप्ट ऑफ प्लेन की मैं बात करता हूँ, क्योंकि जब कभी भी क्वेश्चंस कराता हूँ तो कभी मैं लिखता हूँ कि एक्स वाई प्लेन है, वाई जेड प्लेन, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर व्हाट द मीन ऑफ एक्स वाई प्लेन, व्हाट द मीन ऑफ एक्स जेड प्लेन। मैं समझ रहा हूँ कि आप तमाम लोगों को आता है, फिर भी एज ए टीचर मेरा ड्यूटी बनता है कि मैं जीरो से उठा के आपको चांद तक ले जाऊं। ठीक है, चलिए। So, जैसे एक्स वाई प्लेन है, समझिएगा एक्स वाई प्लेन, तो एक्स वाई प्लेन का मतलब है कि उसका बाउंड्रीज होगा, एक एक्स एक्सिस होगा, दूसरा वाई एक्सिस होगा। इट इज बाउंडेड बाय, बाउंडेड बाय एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, एंड वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से बंधा हुआ होगा, जस्ट लाइक ऐसा होगा। इधर ही बना देता हूँ, ये मान लो x एक्सिस है और ये मान लो y एक्सिस है, तो ये आपका एक्स वाई प्लेन हो जाएगा, ये हो जाएगा y और ये हो जाएगा x, दिस इज अ प्लेन। तो प्लेन यानी कि 2D, उसी तरह आप वाई जेड प्लेन भी कह सकते हो, उसी तरह जेड एक्स प्लेन भी कह सकते हो। क्लियर है कहानी? चलिए, तो यहाँ एक जो हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो फिनिश हुआ, लेकिन एक छोटा सा नोट बच गया जो मुझे ट्रिगोनोमेट्री में ही पढ़ा देना चाहिए था, फिर भी मैं यहाँ बता देता हूं आपको, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है कि 1 degree इज इक्वल टू होता है 60 मिनट। ये जो सिंबल देख रहे हैं, ये सिंबल होता है मिनट्स के लिए, दिस इज कॉल्ड मिनट्स। यानी कि 1 degree इज इक्वल टू 60 मिनट, यानी कि 3600 सेकेंड, यानी कि ये जो डबल सिंबल है ये यूज करते हैं सेकेंड के लिए। अब चीजों को समझिएगा, मैं ऐसा क्यों बता रहा हूं, क्योंकि जब आप टेक्स्ट बुक उठाओगे एनसीईआरटी, तो वहां एंगल दिया होगा 54 degree 60 मिनट या 54 degree 65 सेकेंड, ऐसा कुछ दिया होता है। तो उसको डिग्री से पहले हम रेडियन में कन्वर्ट करते हैं, तो पहले क्या करते हैं, जो टाइम है उसको डिग्री में, फिर डिग्री से मैं रेडियन में कन्वर्ट करूंगा। तो ये सब मैं कराऊंगा जब मैं आपको पैरेलेक्स मेथड बताऊंगा। फिलहाल आप इतना समझिए, और किसी को कोई डाउट आता है तो बेझिझक मेरे व्हाट्सएप पे या पर्सनल नंबर पे आप मैसेज करके, कॉल करके चीज़ों को समझ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। फिलहाल मैं आपको, आप तमाम लोगों से टेनाटन फिजिक्स की तरफ से इजाज़त मांगता हूँ। फिर मिलेंगे, जल्द मिलेंगे, कल मिलेंगे सर, राइट? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।